हो रहा है। चुटुपल घाटी रामगढ़ का अद्वितीय पिकनिक स्पॉट, वादियों पहाड़ियों और पेड़ पौधों के बीच से गुजरती हुई ये घाटी आपको मनोरम दृश्य उपस्थित करती है और साथ ही आपको देती है जीव जंतुओं से भरा हुआ आनंद। जब कभी आप रामगढ़ आवें, रांची आवें, चुटुपाल घाटी में ज़रूर आवें, यहाँ मोर का दर्शन होगा। आप मोर देखेंगे, हरिन देखेंगे, जंगली सुअर भी आपको नज़र आएंगे। ये देख रहे हैं ये घाटी किस तरह से हरितमा से लबरेज है। और ये गाड़ी अभी रांची से रामगढ़ के तरफ जा रही है और आपको काजू के बगान, काजू के पेड़ जो कि इस घाटी में भरे पड़े हैं आपको दिखलाती है। साथ ही ये बोर्ड, ये शिलापट ये भी कहते हैं कि घाटी में जब कभी भी आप आवें धीरे चलें। वो पहाड़ी मंदिर भी है जो आप देख रहे हैं और इधर हरितमा से लबरेज पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई ये घाटी चुटुपाल घाटी का आप दर्शन कर रहे हैं। इस घाटी की लंबाई है 6.5 किलोमीटर और देखिए दूर पहाड़ी पर मंदिर है, पहाड़ी मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ माँ भवानी भी विराजमान हैं और वहाँ आप आ करके आनंद ले सकते हैं। और ये इन वादियों में बांस की पहाड़ियाँ हैं, बांस के पेड़ पौधे हैं देखिए, जो कि आपके आनंद को ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये देखिए इस पहाड़ी के ऊपर वो मंदिर है। साथ ही अब आप यहाँ से बढ़ते हुए जा रहे हैं जहाँ से ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, इसके चलते ये रास्ते भरे पड़े रहते हैं। लिखा है कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे जाएं। और इस तरह से ये घाटी रामगढ़ को जोड़ती है और ये रास्ता बतलाता है कि बायां साइड में रामगढ़ और दाहिने साइड में आप हजारीबाग के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। देखिए अभी हाल ही में एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसका ब्रेक फेल हो गया था, कई गाड़ी जख्मी भी हुए और वो गाड़ी पड़ी हुई है यहीं पर। आप इसके आगे देखेंगे हमारे माननीय पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, जो अपने आप में ये साबित करती है कि ये चुटुपाल घाटी के बाद हमने अपने गृह मंत्री के प्रति कितना उदात्त चरित्र रखा है। यही है वो पटेल चौक। और ये रास्ता धीरे धीरे चूँकि कार्य प्रगति पर है इसलिए ये रास्ता आपको धीरे धीरे रामगढ़ के तरफ ले जा रहा है। ये बायां साइड में आप रामगढ़ जाएंगे और ऐसे आप हजारीबाग के तरफ फोर लाइन हो करके आप हजारीबाग के तरफ चले जाएंगे। इस तरह से आपकी यात्रा सुखद और भावपूर्ण होगी। धन्यवाद।